हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे। मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ। और आज हम बात करेंगे सर्दियों के पौधों के बारे में। तो सर्दियों के पौधे कौन से होते हैं? सर्दियों के पौधे होते हैं मोस्टली कलरफुल वाले, जो पौधे होते हैं जिनमें फूल कलरफुल आते हैं, वो मोस्टली घर में रखना सभी लोग पसंद करते हैं। तो जैसे कि पिटूनिया हो गया, डेंथस हो गया, क्रिसेंथेमम हो गया, गजानिया हो गया, पॉपी हो गया, बहुत सारे ऐसे, नास्ट्रेशियम हो गया, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो आपके गार्डन में सर्दियों में पूरी रौनक भर देते हैं। तो इन फूलों को, इन पौधों को संभालने के लिए क्या किया जाए? भाई सर्दी इतनी पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सर पे टोपा है, गरम कपड़े हैं, तो वूलन्स मोस्टली सबका निकल चुका है और नॉर्थ इंडिया में तो सभी का निकल ही चुका है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, जमाने वाली ठंड हो रही है, यानी कि फ्रीज करने वाली जो है ठंड हो चुकी है। अब इस फ्रीज करने वाली ठंड से कैसे बचाया जाए अपने पौधों को? तो सबसे पहले आता है कि हमारे जो गर्मियों वाले पौधे हैं, हम उनका क्या करें भाई? घर में उठाकर तो रख नहीं सकते अंदर, तो क्या चीज़ हम करें जो कि हमारे जो गर्मियों वाले पौधे हैं, जैसे नीम है, गुड़हल है, और कोई भी ऐसी चीज़ है, ये है सुदर्शन है, मैं नाम भूल जाती हूँ बोलते बोलते ना, क्रोटन है, या फिर और भी मनी प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे गर्मियों में होती हैं और सर्दियों में आते आते वो क्या होता है, पत्ते सभी के नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। तो क्या करें, इनका कुछ तो उपाय होना चाहिए। तो देखिए, सारी चीज़ों का उपाय कुछ नहीं होता है ऐसा कि सारी चीज़ें एकदम से सही हो जाए। जैसा कि पत्तियों का येलो होना होता है और नीचे गिरना होता है, वो एक नॉर्मल चीज़ होती है, नेचुरल प्रोसेस होता है नेचर का। अगर पत्ते झड़ रहे हैं येलो होकर सर्दियों में, तो वो एक बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, आपके पौधे में कोई कमी नहीं है या पौधा मर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें कि आप पौधों को, जैसे कि गर्मियों में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि गर्मियों को पौधों को सजाना नहीं है, बचाना है। तो वैसे ही सर्दियों के लिए भी आता है, पौधों को बचाना है, सजाना नहीं है। सजाने के लिए सर्दियों को दूसरे प्लांट्स आते हैं, जैसे कि मैंने आपको फूलों के नाम बताए हैं, इतने सारे फूलों के नाम हैं और आप उनको ला सकते हैं, सर्दियों के लिए बेस्ट है। लेकिन जो गर्मियों वाले पौधे हैं उनको बचाएंगे कैसे? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता हम इतने बड़े बड़े प्लांट ले आए, गर्मियों में बड़े हो गए, सर्दियों में उनको मार दो, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करें, जितने भी गर्मियों के प्लांट्स हैं उनको उठाकर एक जगह कहीं पर इकट्ठा करके रख दीजिए। इकट्ठा करके रखेंगे उनको, जैसे बिल्कुल पास पास, नज़दीक नज़दीक रख देंगे, तो क्या होता है, एक हीट बनती है, जैसे हर इंसान में भी होती है। अगर हम ठंड लग रही है तो कई सारे जने एक साथ बैठ जाओ तो हीट बन जाती है, वैसे ही पौधों में भी होता है, हीट बन जाती है। हीट बनने के कारण क्या होता है कि जो उनकी जो रूट्स है उनको हीट मिलती रहती है जितनी ज़रूरत होती है। हम उनको हीट नहीं दे सकते क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, इतने सारे पौधे होते हैं, अंदर उठाकर हम नहीं रख सकते उनको, धूप भी चाहिएगी तो बाहर नहीं रख सकते डेली, लेकिन दिन की धूप चाहिए, रात को क्या मिलेगा, उनको हीट मिल जाएगी। और वो इकट्ठा रख के वहाँ पर रख दीजिए और उनको हीट वो अपने आप बनाते रहते, तो हमारा जो पौधा है पूरी सर्दी सर्दी सर्वाइव कर लेता है। जो पाले का असर होता है, फॉग का असर होता है, वो कम्प्लीटली जड़ों तक नहीं पहुँचेगा। रूट्स बची रहेंगी तो पत्तियां भी आ जाती हैं दोबारा, और हमारा जो पौधा है फेब्रवरी आते आते, बाहर का मौसम आते आते, खुद बाहर जैसा खिल जाता है। तो ये तो रही गर्मियों वाले पौधों की बात। दूसरी आती है फिर सर्दियों वाले जो फूलों के पौधे होते हैं, उनको भी जो पाला होता है ना, अगर पाला रेगुलर पड़ रहा है और धूप नहीं निकल रही है, तो वो भी क्या होता है, फूल देना बंद कर देते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पिटूनिया का पौधा है और अभी देखिए कितना ग्रोथ बिल्कुल नहीं कर रहा, और ये बहुत बुरी हालत में मैं इसे लेकर आई थी, बट सर्वाइव तो करेगा ये। और इसको क्या किया है, ये देखिए बिल्कुल छोटा सा है और ग्रोथ बहुत हल्की है इसकी, ज़्यादा नहीं हो रही है। तो माफ़ कीजिएगा, मेरे को कोल्ड हुआ पड़ा है इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको क्या होता है कि हमें रिचार्ज कुछ देना पड़ता है, इनको रिचार्ज करना पड़ता है, क्योंकि धूप तो इनको भी चाहिए। धूप मान लीजिए दो दिन तक नहीं निकली तो हमारा पौधा डल हो जाएगा। तो उसको डलनेस को बचाने के लिए क्या करें आप, किसी भी पौधे में डलनेस को बचाने के लिए आप एक काम कीजिए, उनको प्रॉपर तरीके से आप फर्टिलाइज़ कीजिए,
खाद जो आप देते हैं ना वो खाद दीजिए, हर 15 दिन में खाद दीजिए उनको। गोबर खाद है, नीम खाद है, लीफ कंपोस्ट है, ये क्या करता है हमारे पौधे में हीट पैदा करता है, जितनी उसको हीट चाहिए होती है उतनी हीट पैदा करता है। तो और हैवी फीडर होते हैं जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं ना, वो बहुत हैवी फीडर होते हैं क्योंकि क्वान्टिटी वाइज बहुत सारे फूल उनमें आते हैं और रेगुलर बेसिस पे आते ही रहते हैं लगातार। जैसे पिटूनिया हमारा लगातार फूल देता रहता है, बहुत ज़्यादा फूल देता है, तो उसको फूड भी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो चीज़ फूल दे रही है रेगुलर बेसिस पे फूल दे रही है, मतलब हर रोज़ फूल आ रहे हैं और उतनी ही क्वांटिटी में फूल आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पूरा छोटा सा पौधा होता है फूल इतने सारे हो जाते हैं, तो छोटे से पौधे में 100 फूल हो जाते हैं, तो वो उसको हैवी फीडर हुआ। ज़्यादा उसको भोजन चाहिए तो भोजन प्रोवाइड कराने के लिए क्या होता है, आप उसे रेगुलर बेसिस पे खाद दीजिए। खाद आप नॉर्मल लीफ कंपोस्ट है या कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है या कोई भी और ऑर्गेनिक खादें होती जो उन पर जा सकते हैं। लेकिन मैं जो खाद दे रही हूँ वो क्योंकि खाने वाले पौधे नहीं है, खाने वाले पौधों पर मैं खाद नहीं डालूंगी। आपसे भी बोलूंगी कि आप उसे प्रेफर मत कीजिए कि जो चीज़ हम खा रहे हैं उस पर केमिकल डालें। NPK 19:19:19 और ये एक केमिकल बेस्ड खाद होती है, केमिकल होता है, पाउडर फॉर्म में आता है, ये देखिए इस तरीके से कलर कोई भी आ जाता है, ये ब्लू कलर का है और पानी में घुल जाता है, बहुत जल्दी घुलता है पानी में, तो आप इसको डालिए। NPK 19:19:19 है और इसका नाम भी देखिए क्या रखा है इन्होंने, उत्तम रिचार्ज। इसका नाम उत्तम रिचार्ज है और रिचार्ज करता है, मतलब ये गर्माहट देके हमारे पौधे को रिचार्ज कर देता है और फिर से हमारा पौधा जो है ग्रोथ करता रहता है। केमिकल पे इसलिए चली जाती हूँ क्योंकि खाने वाली चीज़ नहीं है, फूल है, तो केमिकल पे आप जा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी कोई भी हो सकती है, आप कुछ भी ले लीजिए। ये बहुत तरह का NPK आता है, 19:19:19 जो आपके पौधों के लिए होता है, ये बहुत सारे जो ब्रांड होती है ना वो बनाती हैं, आप कोई सा भी ले लीजिए। मैं ये यहाँ पर ये मिलता है, कई बार कोई सा मिल जाता है, कई बार कोई सा मिल जाता है, जो भी ब्रांड होती है मैं ले आती हूँ, ब्रांड का कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले आइए आप, बस 19:19:19 होना चाहिए। उसका जो रेशो है ना वो 19:19:19 ये होना चाहिए। रेशो से क्या होता है कि हमारा जो है उसमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ये NPK भी बहुत सारे रेशो में आते हैं, तो आप 20-20-20 भी आता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में डालिए, बहुत ज्यादा यूज मत कीजिए उसको। तो ये देखिए जैसे 1 लीटर पानी में आप 1 टीस्पून जो चाय की चम्मच होती है ना उतना लगभग आप उस 1 लीटर पानी में डालिए, घोलिए, बहुत जल्दी से घुल जाता है, बहुत जल्दी एकदम पानी में मिक्स हो जाता है, और उसका स्प्रे कर दीजिए सारे पौधों पे, अपने पे, फूलों पे मत कीजिए। जो जैसे पिटूनिया का फूल होता है उनको पानी पसंद नहीं होता है, आप कभी भी जब पानी दें पिटूनिया पे तो पिटूनिया के ऊपर ना डालें, हमेशा पौधों के मिट्टी में पानी डालें। तो जितने भी विंटर फ्लावर्स होते हैं ना उनके जो पौधे होते हैं उनको पानी का छिड़काव बिल्कुल भी पसंद नहीं होता पत्तों के ऊपर। आप जब भी पानी डालें तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे ये देखिए ये वर्बीना है और आप इसका जो पानी है ना वो यहाँ पर मत छिड़किए, पत्तों पर मत छिड़किए क्योंकि वो उसको पसंद नहीं है। आप हमेशा जो डालें वो पानी यहाँ मिट्टी, इस मिट्टी में पानी डालें तब अच्छा होता है, हमेशा जो है अच्छा चलेगा। और इस तरीके से ये देखिए मैं आपको दिखा और देती हूँ, ये देखिए जैसे मैंने पौधा लिया, या तो आप पानी में मिक्स करके डाल दीजिए या फिर आप पानी में मिक्स करके नहीं डालना चाहते तो ये देखिए इस तरीके से स्प्रिंकल करके इसको और डाल दीजिए, इसके ऊपर पानी डाल दीजिए तो भी ठीक होगा। और हर 15 से 20 दिन के अंदर आप इस काम को कर सकते हैं, तो आपके जो फूलों की क्वांटिटी है, अभी थोड़ा सा मौसम चल रहा है जो धूप बहुत अच्छे से नहीं निकल रही और हमारे पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे, करेंगे, और जनवरी के लास्ट में आपके जो पौधे बहुत ग्रोथ करेंगे और बहुत सारे फूल आपको मिलने वाले हैं। और जब एक बार सर्दियों के पौधे हम लगा लेते हैं ना तो उनको लगाने का बार बार मन करता है, और अब की बार मैं पौधे नहीं लेकर आ पाई हूँ, टाइम ही नहीं मिला, जा ही नहीं पाई हूँ, तो बस उस वजह से पौधे भी मेरे बहुत कम आए हैं। मेरे मतलब गार्डन में जो फूलों की क्वांटिटी वो बहुत छोटे से उस पर है, स्केल पे है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 गमले ही पड़े हैं अभी। और बस आप इस काम को ज़रूर कीजिए, NPK 19:19:19 का यूज़ कर सकते हैं और उनको हर 15वें दिन खाद दीजिए।
कंपोस्ट खाद दे रहे हैं तो भी 15 दिन में दे दीजिए, एनपीके केमिकल पे जा रहे हैं तो भी 15 दिन में दीजिए। तो जो गर्मी सर्दियों वाले जो पौधे हैं ना, वो रेगुलर बेसिस पर आपके फूल देंगे और बहुत अच्छे से चलेंगे, क्योंकि उनका जो साइकिल होता है ना, लाइफ साइकिल होता है सर्दियों वाले पौधे का बहुत छोटा सा होता है, 3, 3.5 या 4 महीने का होता है बस, इससे ज़्यादा वो नहीं चलते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, अपना सीड्स बनाकर ख़त्म हो जाते हैं। सीड्स भी अगले साल के लिए आप रख सकते हैं, तो आप ये काम ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर बनता है, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, किसी के यहाँ भी मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और सर्दियों के फूलों का लुत्फ़ उठाइए, कलरफुल बनाइए अपनी बगिया को, अच्छी सी बगिया को बनाइए। और बस, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और घंटी पे प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपके फ़ोन में घंटी बज जाए जब बबीतास ग्रीन प्लैनेट से कोई वीडियो या व्लॉग आए। व्लॉग्स देखना पसंद है तो ज़रूर कर लीजिए, मैं डेली व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ आपसे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय राम जी।